नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और बिग बॉस के घर में अपना दम दिखा रही आशा खान के भाई हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले पहला सवाल यही होगा कि जब बिग बॉस के घर में आशा जा रही थी तो घर वालों के साथ क्या कुछ कहा था, डिस्कशन किया था कि हम जाकर इस तरह से ब्लास्ट करने वाले हैं मुनव्वर के साथ, कुछ कहा था पहले या बिना बताए गई थी? नहीं नहीं, सब कुछ कहा था, हम सब मिलकर हम सब ने डिस्कस किया था क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसके नेगेटिव साइड हो सकते हैं, क्या इसके पॉजिटिव साइड होते हैं। तो या वी टुक द रिस्क एंड आई थिंक अच्छा गया। लाइक उस बच्ची को भी एक क्लोजर जरूरी था, शायद वो बाहर नहीं मिलता अगर वो घर पे थे, इसीलिए उस चीज़ का जवाब मिला हमें, शायद वो बाहर मिलते भी नहीं। जिस तरह से सलमान खान ने बोला अगर आपको इस तरह से नेशनल टीवी पर क्लोजर चाहिए था तो थोड़ा या फिर आप थोड़ा वेट कर लेती, बाहर आके चीजें शॉर्ट आउट हो जाती, ये कितना सही लगा जो सलमान खान ने बोला कि आप वेट नहीं कर सकती थी? मैं सलमान खान सर के नजरिए की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट इसका एक जवाब जरूर है मेरे पास कि जब वो पॉडकास्ट जो भी हुआ वो वायरल हुआ, तब एक लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि अब तो मुनव्वर जी घर पे हैं, आप तो कुछ भी बोलते रहिएगा। तो मेकर्स की तरफ से एक हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि आप कंटेस्टेंट्स से ज्वाइन कीजिए, तो यू नो एक एक्यूजेशन और एक अपॉर्चुनिटी जब साथ में आई तो हमें लगा ये सही है ना। लोग अगर आप पे ये सवाल उठा रहे हैं कि आप कुछ भी बोल सकते, तो ठीक है, हम सही बोल रहे हैं ना, बाहर भी सही बोल रहे हैं, हम घर के अंदर जाके भी वही सही बोलेंगे। तो वही हुआ, हमें अपॉर्चुनिटी मिली और वी टुक इट। सलमान ने यह भी कहा कि उस पॉडकास्ट पर इंटरव्यू दिया, शायद उनकी दोस्त थी, पहला इंटरव्यू था, तो ये पूरा जान समझकर प्लानिंग प्लॉटिंग करके सब कुछ हुआ था? नहीं यार, मैं कह रहा हूँ इतने लोग हैं इस दुनिया में, इतना आसान है कोई चीज प्लान करके और बिग बॉस तक पहुंच जाना? इतना आसान नहीं है मेरे साथ। वो सच है कि वो जान पहचान की थी या फिर ऐसा कहा जाना कि उनकी दोस्त थी और उनका पहला पॉडकास्ट था? हाँ, वो उनकी दोस्त थी और वो उनकी जूनियर कॉलेज की दोस्त थी, उनका पहला पॉडकास्ट था, बट कोई प्लानिंग नहीं थी कोई। और इतना आसान होता है कि 21 साल की बच्ची के लिए प्लानिंग करके बिग बॉस के घर तक पहुंच जाना? बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो चाह रहे हैं बिग बॉस में आना, वो क्यों नहीं प्लान कर पा रहे हैं सर? तो कोई प्लान नहीं था, इट्स जस्ट कहानी बनाने की बात है। बिग बॉस के घर में जब आशा आई, एक तरह से बम गिरा घर के अंदर, है ना, और मुनव्वर का चेहरा देखने लायक था, बट सबने यही कहा कि ये सिर्फ यहाँ पर आई हैं लाइमलाइट लेने के लिए, सिर्फ दिखने के लिए आई हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज, शी हैड अ गुड सोशल मीडिया का उनके पास बेस था, तो वो दिखती तो थी। दूसरी चीज, एपिसोड्स के दरमियान ही मुनव्वर जी और इनमें एक कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें मुनव्वर जी ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ, शो शुरू होने से पहले मैंने आयशा से पूछा था कि आप आना चाहती हैं, आयशा ने तब मना किया था। अब किसी भी कॉमन सेंस वाले इंसान से पूछिए कि वो आसान रास्ता छोड़ के अगर लाइमलाइट के लिए आना तो ये वाला रास्ता क्यों चूज करते? तो लाइमलाइट के लिए तो नहीं आना था। तो मैंने जैसा आपको कहा कि वो पॉडकास्ट वायरल हुआ, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप पे इल्ज़ाम उठने लगे कि तब लोग ये कह रहे थे कि तू बाहर लाइमलाइट के लिए ये सब फैला रही है। नहीं, हम बाहर भी नहीं, हम में हिम्मत है, हम सच के साथ हैं और हम अंदर भी जाके वो कहेंगे। और यही सब सिनेरियो में आप देखिएगा, हमेशा लड़की को विक्टिमाइज कर दिया जाता है, लड़की का कोई साइड नहीं सुनना चाह रहा, जबकि मुनव्वर जी ने सॉरी भी बोला, अपोलॉजी भी एक्सेप्ट हुई, बट इट द एंड उसका मुद्दा छोड़कर ये इस मुद्दे पे आ गए कि लाइमलाइट के लिए आइए। आपको या आपके घर वालों को आयशा और मुनव्वर के बारे में पता था और ये रिश्ता कहाँ तक गया था, हम आपसे जानना चाहेंगे। हमें ये पता था, इनके रिश्ते के बारे में पता था कि हाँ ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स में मुझे पता था, बट उसके आगे वो चीज़ ख़त्म हो गई वो मुझे पता था। आयशा अपसेट है उस चीज़ से वो मुझे पता था, जो डेवलपमेंट हो रही थी वो हमें पता था, पर वो पता था जो मुनव्वर जी ने अपनी ज़ुबानी दी थी हमें, और वो चीज़ हमें थोड़ी अलग लगी जब वो शो पे गए, तो उसी चीज़ों के सवाल उठने लगे। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि हमें ये करना है या वो करना है, बस अनफॉर्चुनेटली वो एक पॉडकास्ट और फॉर्चुनेटली स्पीकिंग पॉडकास्ट वायरल हुआ, तो वी ऑल्सो फेल्ट लाइक ठीक है ना, दुनिया को गलत लग रहा है शायद कि हम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो हम घर के अंदर जाते हैं और सबको पता चल गया कि वो झूठा इल्ज़ाम तो नहीं था। झूठा तो नहीं था, बट जिस तरह से आयशा आने के बाद यू नो मुनव्वर का सारा आते ही बम गिराया, सब कुछ गेम पर असर पड़ा मुनव्वर के, लेकिन यहां पर यह भी देखा गया कि मुनव्वर पूरा एकदम बैकफुट पे एक तरह से आके आयशा का पूरा ख्याल रख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, और लोग ये कह रहे थे ये क्या हुआ, मतलब ये तो आई थी इसका यू नो खुलासा करने के लिए और ये बैठ के अभी दोनों एक साथ गुपचुप कर रहे हैं। मैं इसमें ना मुनव्वर जी को भी कमेंट करूंगा कि उन्होंने
बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल किया. लाइक इट उन्होंने उस चीज़ को अगली नहीं होने दिया. एक अगली फाइट जो होती है उस घर में, बहुत आसान है उस घर में अगली फाइट करना, तो वो नहीं हुआ. बहुत ही मैच्योरली ही एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक, अपोलोजाइज, एंड बोथ द पीपल मूव्ड ऑन विद देयर लाइफ. बट मूव ऑन नहीं हुआ, अभी भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तक कि मुनव्वर ने ये कह दिया कि हलाला की बात कह दी कि अभी मैं आई थिंक अबाउट दैट. मतलब आपने वो देखा होगा सीन, उस पर क्या कहना चाहेंगे? इवन आयशा ने बोला कि मतलब उन्होंने ये क्वेश्चन मार्क भी पूछा. तो मैं वही कह रहा हूँ, मुनव्वर जी का मुझे नहीं पता पर्सनली, मैं नहीं जानता, बट मुझे मेरी बहन पता है, एंड उसने सबके सामने भी बोला शी डजंट लव हिम एंड ही वोंट सी हिज फेस आउटसाइड द हाउस जस्ट बिकॉज वो उस घर में है. यू हैव टू फेस समवन एवरी डे, तो वो हंसना मुलाकात मिलना होता रहता है. नहीं, वो मिलने ज्यादा होता है, क्योंकि इस बात को घर वाले भी उठा चुके हैं. मनारा भी बोल रहे कि यार हमारे साथ बैठ के कुछ बात करती है, फिर थोड़ी देर बाद जाकर के मुनव्वर के साथ कुछ अलग बात होती है. और हमने भी देखा कि वो ऐसी टॉपिक होती है वो समझ आता है कि वो लव बर्ड्स वाला जो बातें होती है ना, वैसे कुछ होती है. मैंने उस नजरिए से अगर बात करें, हाँ, उस नजरिए से नहीं देखा. हो सकता है क्योंकि मैं भाई हूँ तो मैं शायद वो नहीं देखना भी चाहता हूँ, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा. एंड इवन इफ समथिंग इज देयर, इस अभी मैं जाकर उन दोनों पर्सन से बात कर चुका हूँ चीज़ों के बारे में कि आप कैसे दिख रहे हो कैसे नहीं दिख रहे हो. ऑन पर्सनल लेवल दोनों को ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा दिख रहा है, तो वो चीज़ की भी बात करके आए. आप जब घर के अंदर गए, सबसे पहले आपने आयशा को क्या समझा? हमने सुना आपने यही कहा कि तुम मुनव्वर पर फोकस मत करो, अपना गेम खेलो. नहीं, ये मैंने नहीं फोकस करने को कहा. मैंने बस उसको बोला अपना स्टैंड आप क्लियर रखो, व्हाट यू से शुड आल्सो कम आउट इन योर एक्शंस, ऐसा मैंने उसे कहा. और मुनव्वर से बात हुई, उन्होंने आपसे क्या कुछ कहा, आप क्या कुछ हुआ अंदर थोड़ा? मुनव्वर जी से बात हुई, हाँ, तो उन्होंने बस वही चीज़ जो थी क्लैरिटी मुझे भी दी. एज अ पर्सन मुझे भी एक क्लैरिटी चाहिए थी कि भाई आपकी नीयत क्या है, आपके क्या सोच है आपकी इस पे. तो उन्होंने वो सब चीज़ के बारे में बात की. अगेन एक्सेप्टेड वॉट एवर हैज़ हैपेंड एंड हाउ दे हैंडल्ड एवरीथिंग. एंड ठीक है, देयर इज अ पार्ट इन मी जो मुनव्वर को इज्जत करता है, क्योंकि उन्होंने मेरी बहन से जो भी किया उस गलती का पछतावा है उन्हें, इसीलिए. समर्थ ने जिस तरह से आयशा के कैट वॉक पर जो है और उनका जो डांस है उस पर जो लाइक मजाक उड़ाया है, इवन बहुत नाराज भी होती है आयशा इस बात को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो अदरक वाली चाल और समथिंग, वो डांस, वो बैली डांस. लोगों का काम है जलना, लोग तो जलेंगे, बस कुछ नहीं. अगर मौका मिला इन फ्यूचर, क्या लगता है मुनव्वर के साथ? अभी भी मतलब थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग दिखता ही है, तो आपको क्या लगता है कि बाहर आने के बाद सब शॉर्ट आउट हो सकता है या फिर सब खत्म हो चुका है ऑलरेडी? सब खत्म हो चुका है ऑलरेडी, कुछ नहीं होने वाला. आते आते आयशा ने क्या कहा आपसे? बस कितना उसने मुझे मिस किया, कितना याद आई हमें एक दूसरे के. बस हम 15 मिनट तक तो शायद रोते ही रहे, फिर उसके बाद बस उठे, थोड़ा घर भर देखा और बस फिर बाकी की बात है. बाकी की बातें मतलब क्या? ऐसी कैसे हो आप, मैं कैसा हूँ, घर पे सब कैसे हैं? आप अभी कहाँ देख रहे हैं आयशा को इस पूरे गेम में? क्योंकि यू नो जो पहले से यहाँ पर पूरा गेम खेल रहे हैं और अभी जो गेम आयशा खेल रही है उस पर आपका रिएक्शन? वो मैं कह रहा हूँ इस साल की वर्ल्ड कप टीम की ऑस्ट्रेलिया है वो. अच्छा. लेट आ रही है बट चैंपियनशिप ट्रॉफी लेके जाएगी. अच्छा. और जो मनारा के साथ फाइट हुई थी यू नो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुनव्वर को लेकर ही बहुत सारी बातें हुई हैं और क्लियरिटी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, मनारा के साथ बहुत ज्यादा फाइट हुई है उस पर लेकर मैं कहूंगा, देखिए इस सिचुएशन में किसी की गलती नहीं, हालात ही वैसे हैं. उसमें ना मनारा की गलती, बिकॉज शी वॉज अ फ्रेंड एंड शी फेल्ट असाइड, ऐसा लग रहा था उन्हें और जो दिख भी रहा था कि उन्हें वो अलग हो गई है क्योंकि आयशा आई है. इसमें आयशा की भी कोई गलती नहीं है कि वो शो में आई है, ना मुनव्वर की गलती है कि उनकी दोस्त आई है. तो हालात ऐसे थे जिसमें लोग समझ नहीं पाए और वो मन मटाव होता रहता है, बट चीज़ें बेहतर है. मैं अभी जब आके आया हूँ. एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने कहा मुनव्वर के साथ बहुत अच्छा हो गया था, मुनव्वर बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे उनको, लेकिन एक दफ़ा ये देखा गया कि जब वो मुनव्वर भूखे थे और वो पराठा लेके गई थी तो उन्होंने कितना यू नो बिल्कुल खाने से इनकार कर दिया था, और तब वो मुनव्वर का पूरा रंग अलग दिखा था, और अभी भी मुनव्वर बिल्कुल चेंज नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए चेंज करने आएंगे मुनव्वर, इन द एंड ऑफ द डे एक बिग बॉस शो में आए, हर किसी का एक मकसद है उस शो को जीतने का, तो वो उस हिसाब से चेंज हो रहे थे. जो ऑब्वियसली किसी को नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा, वो चीज़ आयशा को भी नहीं अच्छी लगी. तो पराठा एक बस बहाना था, लाइक यू नो एक तिल का पहाड़ जब बढ़ रहा और बस एक हल्का सा झटका पड़ा उसको पराठे के बहाने से, वो सब फट गया. इट्स एन इमोशनल राइड, इट्स एन इमोशनल शो, चीज़ें बाहर आती हैं.
घर वाले क्या कहना चाहेंगे? जब घर के अंदर गए थे शायद उनको लगा था इस वे में नहीं जाएंगी चीजें, बट अब जब इतनी चीजें बिगड़ चुकी हैं, आई मीन सब कुछ हुआ, सब कुछ हो रहा है, घर वालों का रिएक्शन, किस तरह के रिस्पांस आप लोग को मिल रहे हैं लोगों से, फैमिली वालों से, या किस तरह के रिएक्शन आपको सोशल मीडिया पर मिल रहे हैं? देखिए, अब ये है ना, मुझे किसी ने कहा था कि देयर विल बी हेटर्स एंड देयर विल बी फैंस ऑल द टाइम, तो आप फैंस को अप्रिशिएट कीजिए, हेटर्स को इग्नोर कीजिए। लास्टली, आप बिग बॉस फॉलो करते हैं जी, आपके हिसाब से टॉप फाइव कौन है? टॉप फाइव आयशा, अभिषेक, अंकिता जी, ईशा जी, जीप और मुनव्वर फारूकी। और अंकिता और विक्की की जो अभी जो फाइट चल रही है, यू नो, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा चल रही, शुरुआत से ही चल रही है और अभी भी चली रही है, कहीं ये इनका गेम प्लान तो नहीं है कि लड़ते लड़ते हम जीत जाएं? नहीं यार, मतलब हम सब जानते हैं हेल्दी मैरिड लाइफ ऐसी ही दिखती है, नोक झोंक, प्यार, लड़ाई, झगड़े, सब एक मैरिड लाइफ का हिस्सा है। बॉलीवुड नहीं है कि सब कुछ बस रोमांटिक चलता रहेगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।